Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our exercise because some questions are left now. So let's start with our exercise. Our exercise number is 5.1, है ना? And our question number E. Write as mixed fraction, है ना? आपको इसमें क्या find out करना है? Mixed fraction find out करना है. कैसे find out करोगे आप? First of all, we write here. एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ई है ना, आई एम सॉरी, ई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12/5. आपको इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. कैसे करोगे आप? तो इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो आप 12 को 5 से डिवाइड करिए, ठीक. 5 ये ऑलवेज न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से डिवाइड ही होता है, इस चीज को याद रखिएगा. न्यूमिनेटर जो होता है, ये वाली जो वैल्यू होती है, वो फाइव जो डिनोमिनेटर होता है उसे डिवाइड ही होता है, ठीक है. तो मैंने डिवाइड किया, 2 टाइम में गया 10, या रिमाइंडर क्या बच गया, 2 बच गया, है ना. तो जो हमारा ये क्वेशियंट है, ये हमारा हो जाता है होल नंबर. मैंने कल मिक्स फ्रैक्शन बताया था ना क्या क्या होता है, होल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं. तो जो हमारा क्वेशियंट होता है ये होल नंबर हो जाता है, ठीक. जो हमारा रिमाइंडर बचता है ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ठीक है. और जो हमारा ये डिविजर होता है ये डिनोमिनेटर ही रहता है, ये डिनोमिनेटर ही रहता है, ठीक है. मतलब इसमें डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. बस होल नंबर, मतलब यहाँ पे हम होल नंबर लिखते हैं ना, और बिल्कुल बीच में लिखते हैं, यहाँ पे ये होल नंबर हो गया और न्यूमिनेटर आपका 2, ये जो रिमाइंडर बचा है वो न्यूमिनेटर हो गया. तो यही आपको क्या कराता है, मिक्स फ्रैक्शन कराता है. एंड पता है आपको ये फ्रैक्शन, ये जो ये फ्रैक्शन का ये जो सिंबल है इसको आपको इंडिकेट करना ही है. मैक्सिमम बच्चे, मैंने पिछली क्लास में देखा था, आप लोग क्या करते थे, 2/5, या फिर आप नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते थे, 2 यहाँ पे है तो नेक्स्ट पेज पे 5 है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है. आपको इनको एक साथ ही राइट करना है, और ये फ्रैक्शन की साइन आपको देनी ही देनी है, और फ्रैक्शन के साइन के सामने ही आपको होल नंबर राइट करना है, ठीक है. जैसे एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 को देखिए, 6 क्या है, 65/9, यही है ना. इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, चेंज करिए, क्या होता है ये 65/9, यही है ना. तो 65 को मैंने राइट किया यहाँ पे, और 9 से इसको डिवाइड किया, 7 टाइम में 63 हो गया, 2 रिमाइंडर बच गया. तो कैसे लिखेंगे बताओ, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, जो यहाँ पे है वही डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर तो 9 ही रहेगा. क्वेश्चियंट हमारा होल नंबर बनता है, तो क्वेश्चन कौन सा, यही है क्वेश्चन ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होल नंबर हो जाएगा, ठीक है. रिमाइंडर हमारा न्यूमिनेटर बनता है, तो रिमाइंडर क्या हो गया, न्यूमिनेटर हो गया, ठीक है. तो ये वैल्यू आपकी आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन की, कर लेंगे. अब यहाँ पे देखो फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बॉक्स, फिल द बॉक्सेस यूजिंग स्मॉलर ग्रेटर और इक्वल, इन साइन का यूज करके आपको बॉक्सेस को फिल करना है. तो देखो इसमें फर्स्ट आप चेक, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो फर्स्ट आप चेक करते हो कि इनमें से इनका पहले डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है. तो देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है ना. तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमिनेटर को चेक करते हैं, न्यूमिनेटर में देखते हैं कौन सा बड़ा है या इक्वल, जो भी है. तो मैंने देखा यहाँ पे, इसमें देखो ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, ये 2 है और ये 1 है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो हम ग्रेटर की साइन इधर प्लेस कर देंगे, ठीक है. इसमें देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ सेकेंड क्या है, 7/13 एंड 7/11, है ना. तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे न्यूमिनेटर सेम है तो हम इसको ग्रेटर कर देंगे, ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं. सेम करने के लिए ये जो 11 है ना, इस 11 की मल्टीप्लाई आप इस फ्रैक्शन में करोगे, इसके सामने वाले फ्रैक्शन में कर दोगे. तो 7/13 मल्टीप्लाइड बाय 11 क्या वैल्यू आएगी, 77, एंड नीचे क्या आएगा, 143, ठीक. अब हम इस वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे 7/11
11, ये जो 13 है, इस 13 की मल्टीप्लाई आप इसके सामने वाले जो फ्रैक्शन होगा उसमें कर दीजिए, तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 91 अपॉन 143, ठीक है। देखो अभी अगर मैंने ऐसे किया होता तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती, बड़ी हो जाती ना, लेकिन आपका केस में क्या आ रहा है, इनके सेम जब हमने डिनोमिनेटर किया तो वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली बड़ी आ रही है ना, देखो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो हमारी क्या हो गई, तो हम साइन कहाँ प्लेस करेंगे, इधर साइड प्लेस करेंगे, मतलब नीचे आप लिख लीजिए ये किसकी वैल्यू थी, इस वाली की वैल्यू थी ना, तो 7/13 ग्रेटर देन टू 7/11, सॉरी स्मॉलर देन टू 7/11, ठीक है, 7/11 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह आपको करना है इसको, एंड आई होप आप कर लोगे। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है, 6 whole 2/3, अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है दोनों, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं उसको पहले समझो, मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं उसको हमें समझना है, कैसे करते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है आपका, 6 whole 2/3 एंड 6 whole 3/4, यही है ना। तो देखो क्या करते हैं, इसमें हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, जो वैल्यू आती है उसको हम उससे ऐड, इस नंबर से ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 multiplied by 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस किसमें ऐड करेंगे, 2 से ऐड कर देंगे, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा, दोनों टाइम में सेम केस इसमें भी वही करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 multiplied by 4 प्लस इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 3 ऐड हो गया और डिनोमिनेटर वही रहेगा, तो 6 3 18 18 plus 2 20 20/3 और ये 64 plus 27 27/4। अब देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये तो वैल्यू हमें मिल गई ना, तो अब इसके बाद आप इसके डिनोमिनेटर को सेम करोगे, कैसे करोगे, वही 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दीजिए, जो आएगा जो बड़ा होगा उसको आप इंडिकेट कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही कर देना है इसको, ठीक, तो इसको कर लीजिएगा आप लोग। जी क्या कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन, इनको फ्रैक्शन में लिखना है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, पता है, देखो जी का फर्स्ट मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, जी का फर्स्ट क्या है, 3/3 / 5 है ना, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो बस कुछ भी नहीं, ये आपका न्यूमिनेटर हो जाएगा 3, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 5, मतलब जो पहला नंबर है उसको न्यूमिनेटर लिख दीजिएगा और दूसरे नंबर को डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन की साइन कर दीजिएगा, ठीक, ऐसे इसको करना है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में, ठीक है, तो इसके हम 3 टाइप्स में इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, जब हमारे डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी वैल्यूज दी गई होंगी तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, रुकिए क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, ये है ना, तो फर्स्ट जब डिनोमिनेटर क्या होगा 10 हो, 100 हो, 1000 हो या सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, तो देखो मान लो अगर 10 है, सपोज एक एग्जांपल है 5/10, ये है ना, तो देखो हम क्या करते हैं, कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है, हम इस 5 को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 10 है ना, तो बस यहाँ से काउंट कर लेंगे, 1 काउंट किया और यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर दिए, मान लो यही पे 5/100 होता, तो इस 5 को तुम वैसे ही लिख देते हैं, अब यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 0 है ना, 1 and 2 2 0 है ना, लेकिन यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 1 ही है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 डिजिट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इसके आगे हम 0 प्लेस कर देते हैं, पीछे नहीं करते हैं, इसके आगे हम 0 प्लेस करेंगे, तो
अभी टू डिजिट हो गया 1 and 2 और यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर देंगे और ये 0 तो हमेशा रहेगा, ठीक है। ऐसे 1000 का मतलब 25 है, 1000 से करना है इसको, तो क्या करेंगे 25 को वैसे ही लिखेंगे, कितने 0 है 1 2 3 0 है ना, तो यहाँ पे 1 2 टू डिजिट है तो इसके आगे हम प्लेस करेंगे, कभी भी पीछे 0 मत प्लेस करिएगा, ठीक है, ये वरना जो हम आपका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। 25 की जगह अगर आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वो 250 हो जाएगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आगे 0 प्लेस करेंगे फिर आगे डेसिमल लगा के 0 कर देंगे, ऐसे हम इसको चेंज करते हैं। सेकेंड क्या है, मान लो ऐसे नंबर्स हो जैसे 2/5 है, तो हम इसको क्या करते हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई हम ऐसे नंबर से कर देते हैं जिससे इसकी मल्टीप्लाई हम ऐसे नंबर से कर देते हैं जिससे कि हमारा जो नंबर है वो नीचे वाला नंबर 10, 100, 1000 में कन्वर्ट हो जाए। तो 5 के टेबल में 10 आता है ना, कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में आता है, तो 5 के टेबल में क्या 2 की हम मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, तो 2 2 4 ये आ गया और यहाँ पे 10 आ गया, ठीक। अब ये 10 आ गया तो सिंपली ऐसे कर लेंगे, 4 को लिख देंगे कितना 0 है 1 0 है, तो 1 काउंट करके यहाँ पे आगे डेसिमल प्लेस कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्जन करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट मान लो अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ मत करो, कोई भी नंबर दिया गया 1/4 मान लो दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, अभी मैंने इसको देखो ये नंबर है 2/5 ही ले लेते हैं, देखो ये है ना, वो नहीं हो रहा है आपसे, तो आप क्या करो 2/5 है तो 2/5 डिवाइड हो जाएगा ना, तो हम 2 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। अब ये बताओ 2 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, तो हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देते हैं, यहाँ पे डेसिमल आ गया तो 0 पुट करके यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 20 हो गया, 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा ना, 20 0.4 आंसर हो गया, देखो दोनों सेम है ना, बिल्कुल दोनों सेम है। तो अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा तो आप डिवाइड कर दो उनको सिंपली, जैसे एक्सरसाइज क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 5.2 है ना, 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 2/5 है ना, तो इसको 2 मेथड से कर सकते हो, या तो आप इसमें 5 2/5 है तो जो मैंने बताया है इसमें मेथड का भी यूज कर सकते हो, इस मेथड का भी यूज कर सकते हो, तो इसको मैं नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 7/8, अब देखो 7/8 है तो हम इसको 8 में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा, लेकिन वो चीज हमें एग्जैक्टली पता नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 7 को हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करिए 7 और 8, तो यहाँ पे हम डेसिमल पुट कर देंगे, ठीक 70 हो गया, तो ये डेसिमल आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये अभी क्या हो जाएगा, ये डेसिमल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो 70, तो 8 का टेबल ऐसे लिख दो कि 70 आया, उससे लेसर आया क्या जाएगा 8 टाइम है ना 64 हो गया ना, फिर ये 6 और फिर एक 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये 0 यहाँ पे आ गया, ठीक 60 हो गया, तो 8 7 56 4 आ गया, फिर अभी एक 0 और चाहिए तो 0 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है 8 5 40, आप तब तक 0 पुट करिए जब तक ये कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए, ठीक 0 पुट करते जाइए, इसको डिवाइड करते जाइए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7/8 = 0.875 आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही सारे नंबर्स को करना है आपको, आप डिवाइड ही कर दीजिएगा, डिवाइड करके डिवाइड करने के लिए डेसिमल और 0 पुट करते जाइएगा, उसको डिवाइड करते जाइएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन बता दें, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 ले लो, 8 क्या है 7/50 है ना, 7/50, तो 7 को आपको 50 से डिवाइड करना है ना, तो 7 यहाँ लिखेंगे 50 ये हो गया, डेसिमल 0 पुट कर दिए तो ये डेसिमल यहाँ चला गया, 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा ना 50 2 0 और एक और 0 पुट कर दीजिए, ये 0 यहाँ पे आ गया 200, 4 टाइम में 200 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 7/50 का आंसर क्या आ जाएगा 0.14 ये आंसर। इसको ये नहीं पढ़ते हैं कि 875 होगा, नहीं, डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स होते हैं उनको सिंगल डिजिट के फॉर्म में पढ़ते हैं, मतलब 875
0.875, 0.14, ठीक है। चलिए तो इतना करिएगा, ये दोनों एक्सरसाइज आप करिएंगे आज, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।